नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, जीवन में कुछ हासिल करना हम सभी का ध्येय होता है, स्वप्न होता है कि इस मुकाम तक मुझे पहुंचना ही है, उसे अर्जित करना है। लेकिन कई बार हम भाग्य को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं और परिश्रम को दूसरे पायदान पर रखते हैं। सच तो ये है कि भाग्य के भरोसे यदि हम बैठेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में होगा, लेकिन यदि हम परिश्रम करेंगे तो हम वो अर्जित कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। सचमुच परिश्रम करने से सफलता को हम अपनी दासी बना लेते हैं। परिश्रम करने वालों के पीछे पीछे सफलता चलती है। इसीलिए हमने जो जीवन का ध्येय बनाया है, जिस मुकाम पर हम पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए हाथ पर हाथ धरे हमें बैठना नहीं है, लेकिन कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है, तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो सफलता आपके कदम चूमे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे मीठा फल कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर सभी का भिन्न भिन्न होगा। कोई कहेगा आम, तो कोई कहेगा सेब, किसी को अमरूद पसंद है तो किसी को अंगूर। और क्यों ना हो, सभी का स्वाद अलग है, सभी की रुचि अलग है। परंतु वास्तव में संसार में सबसे मीठा फल वो है जो परिश्रम करने के उपरांत प्राप्त होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम श्रम करते हैं तो उस कर्म में हम अपना तन लगाते हैं, हम अपना मन लगाते हैं, समय लगाते हैं, श्वास लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, जो उसके फल को अमूल्य बना देता है। परिश्रम से कमाई गई दो रोटी 36 प्रकार के व्यंजनों से अधिक सुकून देती है। परिश्रम से बनाया गया छोटा सा घर भी बड़े बड़े महलों से अधिक सुरक्षित महसूस कराता है। तो याद रखिए, कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में परिश्रम के बगैर। खुद का साया भी धूप में आने के बाद आता है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि परिश्रम हमें सुंदर स्वास्थ्य की ओर लिए चलती है, जबकि सुस्ती बीमारियों के दरवाजे खोल देती है। आज से कुछ वर्ष पहले तक देखा जाए तो हम हर कार्य अपने हाथ से किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान के उपकरण आते चले गए, वैसे वैसे हमारा शारीरिक श्रम कम होता चला गया और आप देखेंगे कि इसी कारण बीमारियां भी बढ़ती चली गईं। मन ज़्यादा तेज भाग रहा है और तन एक जगह बैठा हुआ है, ये भी बीमारियों को जन्म देने वाला है। शरीर भी तो एक मशीन के समान ही है और मशीन को यदि यूज़ ना किया जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो उसमें जंग लग जाती है। इसमें भी यदि हम इसे परिश्रम के रूप में यूज़ ना करें तो इस मशीन में भी जंग लग जाती है। तो क्यों ना हम अपने शारीरिक श्रम को अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं और संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य का आनंद लें। आइए चलिए इसी बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं, कई बार हमारा ब्लड प्रेशर, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं अचानक और हमारा ब्लड प्रेशर हाई निकलता है। कहते हैं ना, आजकल तो बहुत इन्फॉर्मेशन आपको टेलीविज़न के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, गूगल के द्वारा मिलती रहती है कि अपना ब्लड प्रेशर चेक कराओ। अगर आप 30 साल के हो गए तो ज़रूर ब्लड प्रेशर चेक कराओ, हर साल चेक कराना चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो और जल्दी कराना चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर है तो आपको और जल्दी कराना चाहिए। तो दोस्तों, हमें ब्लड प्रेशर जब भी हम चेक कराते हैं डॉक्टर के पास जाके, कई बार हमारा ब्लड प्रेशर हाई निकलता है। हमें कोई सिम्टम तो है नहीं, तकलीफ तो है नहीं, तो भी हमारा ब्लड प्रेशर 140/90, 160/100 निकलता है। इसको हम कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अधिकतर स्ट्रेस हो जाती है, टेंशन हो जाती है, उसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर हाई निकलता है। क्योंकि वही ब्लड प्रेशर घर में आके चेक करते तो हमारा बीपी 130/80 निकलता है। इसको बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। और दूसरा एक हाइपरटेंशन होता है, उसको बोलते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन।
कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो नॉर्मल निकलता है, हेल्थ केयर सेटिंग में नॉर्मल है, और घर में आके हाई हो जाता है। तो घर में कोई ना कोई स्ट्रेस का कारण है, इसकी वजह से आपका घर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बाहर जाके आप चेक कराते हैं नॉर्मल निकलता है। और एक दोस्तों एक सस्टेन्ड हाइपरटेंशन होता है जो घर में भी ज़्यादा और डॉक्टर के पास भी ज़्यादा, तो तब हमें ज़रूर इसका प्रिकॉशन लेनी चाहिए। पहले अपने लाइफ स्टाइल अपना मॉडिफिकेशन करते हैं, उसके बाद अगर उसके बाद भी ठीक ना हो तो फिर हमें दवाइयाँ लेनी होती हैं। और दोस्तों एक ब्लड प्रेशर नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन, रात में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो दिन में ठीक रहता है। तो दोस्तों ये तो चार तरह का मैंने आपको ब्लड प्रेशर बताया। और दोस्तों एक जो बहुत कॉमन ब्लड प्रेशर है वो है दोस्तों 90% से अधिक कारण, वो प्राइमरी ब्लड प्रेशर कहते हैं उसको, प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें कि हमारा मतलब हमारे जीन्स, हमारा ओवरऑल जो हमारी जो आर्टरीज हैं और हार्ट है उसके डिसफंक्शन की वजह से, या तो हार्ट की दीवारें मोटी हो जाती हैं, हार्ट बहुत तेज़ी से सिकुड़ता है, तो जो उससे हमारी दीवारों पर जो प्रेशर, जब हार्ट सिकुड़ता है तेज़ी से प्रेशर पड़ता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, 140 के बजाय 150, 160, 170, 180, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है। और नीचे वाला जब हार्ट रिलैक्स करता है उसमें हार्ट सही ढंग से रिलैक्स नहीं कर पाता, इससे नीचे वाला ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर हम नमक ज़्यादा खाते हैं दोस्तों तो हमारा ब्लड प्रेशर, वो आर्टरीज की दीवारों में स्टिफनेस आती है। अगर फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं स्टिफनेस आती है। प्रॉपर नींद नहीं करते हैं तो हमें उससे हमें प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं मिलती, तो उसके कारण हमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो समय पर सोना, समय पर उठना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डेली एक्सरसाइज करने से हमारी आर्टरीज इलास्टिक होती हैं। डेली 45 मिनट्स टू 1 आवर सुबह मॉर्निंग वॉक सनराइज के बाद अगर आप करें, स्नान करने के बाद, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। आपको ब्लड प्रेशर का मुफ्त इलाज है और आपको कभी ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं दोस्तों। दोस्तों ये प्राइमरी हाइपरटेंशन जो मैंने बताया ये 90% से अधिक लोगों में होता है, और आपसे कारण मैंने मुख्य बता दिया आपको। अगर आप प्रिकॉशन लेंगे, डेली मेडिटेशन करेंगे और समय पर एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, समय पर नींद करेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल हो जाए। अगर आपका फिर भी इससे ठीक ना हो तो एक दो गोली खाने से आप ठीक हो सकते हैं और उनके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। ओम शांति। मित्रों कहते हैं कि परिश्रम सीढ़ियों की तरह है जबकि भाग्य लिफ्ट की तरह है। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियाँ कभी भी बंद नहीं होती। सीढ़ियाँ तो आपको उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ाती ही जाती हैं। कई बार हम लिफ्ट के भरोसे रहते हैं और लिफ्ट आती नहीं या खड़ी हो जाती है। यदि आप परिश्रम पूर्वक सीढ़ियाँ चढ़ते चलते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता को अर्जित करते हैं। इसीलिए सीढ़ियों को चुने, परिश्रम को चुने, लगनपूर्वक आगे से आगे बढ़ते चलें। आप जो चाहते हैं वो अवश्य आपके कदमों में होगा। तो आइए इस सुंदर बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। आप भारत के नागरिकों को न्याय के बारे में क्या विशेष बात बताना चाहेंगे? थैंक्स फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया दैट दे हैव गॉट द फेथ इन जुडिशियरी। जी Still, we are delayed in sometimes, the matters are delayed, but why they are coming to judiciary? Because they found that they have not got their right in the executive. Because the executive fails, they come to judiciary. Otherwise, if a collector will solve his problem, they will never come to High Court in a writ application to give a direction to the collector. Gee. So, every wing of the state, if joins together and geared up to work for the public, then cases will be less and judiciary will be more purified and the judges will be able to pass better judgments with small number of cases. Application mind will be much better. Ji, इसमें आपको क्या लगता है spirituality क्या मदद कर सकती है? Spirituality is patience, hearing. Giving an opportunity of hearing, not to get irritated. What, where from this coming? That is coming from your inner side. Ji. From your heart, not from your mind. The patience comes from your heart. If you are impatient, you do not hear. Bilkul, bilkul. Then what type of justice you will give to the people? Or justice ke liye hearing bahut zaruri hai. Yes. Ji. So the people those are coming to judiciary, they're coming with a much hope. If we throw away their files without hearing them, then we are doing injustice. We are not the persons to deal with this type of the
पोस्ट वेयर। बिल्कुल, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये ओहदा होता है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और वैसे भी न्यायाधीश तो सबसे बड़ा ईश्वर को कहा जाता है, उस कुर्सी पे बैठ के न्याय देना वो कितना बेहतर होना चाहिए। और हीरिंग उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी जो इस तरह से आपने मदद करती है, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। बल्कि आप देखिए, स्पिरिचुअलिटी जितना बढ़ती जाए, अगर ज्यूरी में भी बढ़ती है, नागरिकों में बढ़ती है, केस भी उतने कम होंगे। When a child is born, जी, he is as pure as sunshine. He doesn't have feeling of hate, love. He takes food from our mother and grows up. Why he becomes a criminal? सोचने वाली बात है। That is social impact. Why there is a social impact? Because you have not gone, that spiritualism has not entered into them. Where temple is always flooded with devotees. जी। But crime is also going high. Rate of crime is also going high. Why that is happening? Because मन में जो लालच है, हम अभी तक छोड़ा नहीं। मित्रों, जीवन में सफलता अर्जित करने का मूल मंत्र यही है कि हम व्यर्थ की बातों और लोगों की बातों से अपना ध्यान हटा करके अपने परिश्रम पर ज़्यादा फोकस करें। कई बार हम व्यर्थ की बातों में इतने उलझ जाते हैं कि ये करूं या ना करूं, या लोग ये कहने लगते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे, तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, श्रम करना बंद कर देते हैं, पुरुषार्थ करना बंद कर देते हैं और बैठ जाते हैं। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि इतनी शांति से परिश्रम करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन आप निरंतर यदि अपने कार्य में लगे रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमती है। कैसे हम शांतिपूर्वक, कैसे धैर्यतापूर्वक और कैसी पूरी एकाग्रता पूर्वक अपने श्रम पर फोकस कर सकते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकते हैं, यही सुंदर कला ब्रह्म कुमारियाँ सभी को राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से सिखाती हैं। आइए देखें उनकी इन सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। महाराष्ट्र के मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज नेपियंसी रोड द्वारा हर साल की तरह इस साल भी 8 दिवसीय प्रवचन माला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कमला ऑडिटोरियम में रखा गया था। यह आयोजन जनता के लाभ एवं जैन समुदाय के वीआईपी सदस्यों के साथ अन्य लोगों द्वारा व्यापक रूप से हुआ। इस कार्यक्रम में रोजाना 250 से 300 तक की संख्या रही। इस वर्ष में कर्नाटक से ब्रह्मा कुमारी वीना दीदी जी, कालिना केंद्र की बी के नीना दीदी जी एवं वीले पार्ले सेवा केंद्र से बी के नम्रता दीदी जी मुख्य वक्ता के रूप में रहीं। इस अवसर पर प्रसिद्ध डॉक्टर मंजू जी, उद्योगपति और महादानी अमला रुया जी, पूर्व विधायक अरुण गुजराती जी, राजभवन के वर्तमान प्रशासनिक प्रमुख उमेश कशीकर जी मुख्य अतिथि के रूप से उपस्थित रहे। साथ ही सभी ने अपने शुभ भावनाएं व्यक्त की। मित्रों, परिश्रम पे आज सुंदर चर्चा, सुंदर सुंदर बातें और इस बात के लिए प्रेरित करते हुए हमें कि हम अपने ध्येय की ओर लगातार बढ़ते चलें, उसके लिए श्रम करें, क्योंकि जितना हम श्रम करेंगे उसका सुंदर फल हमें मिलेगा। कहा भी जाता है कि परिश्रम का फल बहुत बहुत मीठा होता है, कभी भी परिश्रम का फल कड़वा होता है ऐसा हमने नहीं सुना। यदि हम जी जान से लगे रहते हैं तो देर से ही सही, लेकिन हमें हमारा ध्येय अवश्य मिलता है। इसीलिए ये भी कहा गया है, श्रमेव जयते, श्रम हमेशा ही विजयी होता है। और अन्य बातों में हम यदि अपना टाइम व्यर्थ करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने आप को अपनी मंजिल से दूर करते चलते हैं। इसीलिए ठान लें कि हम अपने आप को मेहनती बनाएंगे, श्रम करेंगे और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलेंगे। अन्य बातों पर ध्यान ना देते हुए, विफलताओं पर ध्यान ना देते हुए यदि सतत प्रयास किया जाएगा तो कहते हैं सतत प्रयास करने वाला सदैव ही विजयी होता है। तो आप सफल हों, आगे से आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।